हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो स्मार्टफोन की जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आज की डेट में कौन कौन हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कंपोनेंट आता है मदरबोर्ड। तो दोस्तों जो जो सभी कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफोन में, वो सभी एक मतलब कि जगह पे जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। जो जो दोस्तों मदरबोर्ड होता है वो स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है रैम। तो दोस्तों जो रैम होता है वो जो स्मार्टफोन में कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसको हैंडल करता है। तो दोस्तों जो रैम जितनी स्मार्टफोन की होती है, तो दोस्तों आप उतनी बड़ी फाइल को मतलब कि या फिर गेम को उसमें अच्छे से रन कर सकते हैं। दोस्तों उसमें कोई लैगिंग इशू नहीं आता। लेकिन दोस्तों जो लैगिंग इशू को मतलब कि रैम से के लिए दूर नहीं किया जा सकता, दोस्तों उसके लिए प्रोसेसर का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों आज की डेट में जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी हाई टेक हो चुके हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेसर की पावर आज की डेट में वो पहले प्रोसेसरों से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। दोस्तों आज की डेट में आपके पास क्वालकॉम हीलियो P60 या फिर जो हीलियो जो मीडियाटेक की सीरीज चली है वो काफ़ी अच्छी सीरीज है। दोस्तों जो मीडियाटेक के पुराने प्रोसेसर है वो बहुत ही मतलब कि बेकार प्रोसेसर है। दोस्तों अगर आप कोई मीडियाटेक का प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहते हो, तो दोस्तों उसको आप हीलियो वाले जो उनकी सीरीज़ है, तो दोस्तों आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपके पास कैमरा या फिर जो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों पहले हम इंटरनल स्टोरेज को लेते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में जो फाइल्स होती है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों जो भी मतलब कि साइज़ होता है उसको हैंडल करने के लिए हमें इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करना होता है। जो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज होता है वो जो मेमोरी कार्ड होता है उससे बहुत ही फास्ट होता है। तो दोस्तों आज की डेट में जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो लगभग, दोस्तों इसके बाद हम लेते हैं कैमरा। तो दोस्तों जो कैमरा है वो काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। दोस्तों जो कैमरा है वो सेल्फी या फिर रियर कैमरा है। तो दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है उसमें काफ़ी इनोवेशन देखने को मिला। तो दोस्तों जो अभी सैमसंग ने लॉन्च किया है इन डिस्प्ले कैमरा, तो दोस्तों वो काफ़ी अच्छा कैमरा मतलब कि माना जा सकता है। जो दोस्तों इनोवेशन है वो बहुत ही अच्छा हुआ। और जो दोस्तों आज की डेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो दोस्तों वो है स्क्रीन। तो दोस्तों जो आज की डेट में स्क्रीन है वो मतलब कि पूरा बेजल लेस करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अभी तक जो भी क्या बोलते स्मार्टफोन ने लॉन्च किया, तो उसमें सबसे पहले नॉच को इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों उसके बाद जो शाओमी के स्मार्टफोन्स में जो MI Mix 2, तो दोस्तों उसमें मतलब कि चिन्ह रखी गई, लेकिन अगर दोस्तों जो पूरी बॉडी मतलब कि जो पूरी स्क्रीन थी बाकी वो उसे बेजललेस किया गया। और दोस्तों उसके बाद आया कॉन्सेप्ट ओप्पो और वीवो का, जो कि स्लाइडिंग कैमरा था। दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि इम्प्रेसिव चीज़ थी, लेकिन दोस्तों उसमें भी चिन थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा कहा जा रहा है जो स्मार्टफोन की मतलब कि फुल बेजललेस होगी, और उसमें इन डिस्प्ले फिंगर मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर तो आ चुका है, लेकिन दोस्तों जो कैमरा भी होगा वो इन डिस्प्ले आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की डेट में डिस्प्ले भी मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देती है। तो दोस्तों आज की डेट में जो सिक्योरिटी है उसके लिए आप फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों पुराने मतलब कि आज से कुछ साल पहले पैटर्न या फिर जो स्वाइप अप या फिर इस टाइप के जो मतलब कि सिक्योरिटी रखी जाती थी, तो दोस्तों इस तरह से जो सिक्योरिटी में मतलब कि काफ़ी इनोवेशन लाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि स्मार्टफोन्स का मतलब कि आज की डेट में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। और दोस्तों आज की डेट में अब आया है फोल्डिंग स्मार्टफोन, मतलब कि इनोवेशन करना चाहते हैं कंपनीज। तो दोस्तों जो सैमसंग है उसने 2014 में जो अपने मतलब कि डिज़ाइंस कंपनीज को दे दिए थे, तो दोस्तों उस तरह से जो आज की डेट में कह सकते हैं कि जल्दी ही फोल्डिंग स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दोस्तों अभी सैमसंग ने 2018 में लॉन्च किया था कि जो उसके जो फोल्डिंग स्मार्टफोन है उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों उसकी प्राइस बहुत आई है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में मतलब कि जो स्मार्टफोन की प्राइस होगी, तो दोस्तों उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो स्मार्टफोन है मतलब कि कुछ इनोवेशन आती है तो दोस्तों उसका प्राइस बढ़ता है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये देखने को मिलता है कि उसका प्राइस काफ़ी गिर जाता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते हैं मेरे चैनल बीटेक में, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।